परवीन न्यूज़ के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी ने संसदीय दल के नेता के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। दरअसल चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजीपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। उनका कहना था कि चिराग तीन तीन पदों पर एक साथ थे। जानकारी के मुताबिक 20 जून तक पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि पटना में चिराग के समर्थकों ने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले चिराग ने चाचा के नाम बेहद भावुक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पापा की मौत के बाद आपके व्यवहार से टूट गया हूं मैं पार्टी और परिवार को साथ रखने में असफल रहा। इसके साथ ही चिराग ने एक पुराना पत्र भी ट्विटर पर शेयर किया है। चिराग पासवान ने ट्वीट में आगे लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। दरअसल चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी में इतनी बड़ी बगावत के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि वे पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से सारे फैसले खुद ही लेने लग गए थे। वे किसी भी संसद पार्टी या पार्टी के पदाधिकारी से कोई राय नहीं लेते थे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद चिराग पासवान ने एलजेपी के कई नेताओं से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, सांसदों से भी ना के बराबर मिल रहे थे। अब इस मामले पर एक और पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान हर फैसला राजनीतिक सलाहकार सौरभ पांडे की सलाह पर लेते थे। पार्टी सूत्रों की माने तो सौरभ पांडे की सलाह पर ही एलजेपी ने बिहार में एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ा, जिसके नतीजे सबके सामने हैं। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़ेगा, ये भी सौरभ पांडे तय करते थे। चिराग पासवान सिर्फ उन फैसलों पर मुहर लगाया करते थे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना का पीक आने के बाद से हर रोज नए मामलों में लगभग 85% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि हम यह स्थिति 75 दिन बाद देख रहे हैं, जो इस तरफ इशारा करती है कि इस देश में संक्रमण में गिरावट देखी जा रही है। दरअसल भारत में फिलहाल 9,13,378 सक्रिय मामले हैं। गौरतलब है कि 10 मई को सबसे ज्यादा सक्रिय मामले 37,45,237 थे। देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों की ग्रोथ रेट की बात करें तो 14 जून तक 60,471 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 मई से 11 मई के बीच कोरोना के 3,87,098 नए मामले देखे गए थे। वहीं एक और बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 10 साल के एज ग्रुप के 3.28% बच्चे पहली लहर में कोरोना की चपेट में आए थे। वहीं दूसरी लहर में इस एज ग्रुप के 3.05% बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे। तो वहीं 11 से 20 साल की उम्र वाले में 8.03% लोग पहली लहर में संक्रमित हुए थे। वहीं इस एज ग्रुप के 8.5% लोग दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित हुए थे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने सदस्यों को भी साधना शुरू कर दिया है और साथ ही दूसरी पार्टियों और निर्दलीय जीते सदस्यों को अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी के बीच मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर रिजवान के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में एसटी हसन जिला पंचायत सदस्य से कह रहे हैं कि सपा भी 20 लाख दे रही थी, फिर भी तुम बीजेपी में क्यों चले गए। इतना ही नहीं, सांसद जिला पंचायत सदस्य को अपने पाले में वापस लाने के लिए उनसे मुसलमान होने की दुहाई दे रहे हैं, तो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कैसे मस्जिद को शहीद करने वाले को वोट दोगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सपा ने अमरीन जहां को प्रत्याशी बना रखा है।
जबकि बीजेपी की ओर से डॉक्टर शेफाली सिंह सक्रिय हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के सदस्यों को अपने खेमे में लाने की कवायद में जुटे हैं। सपा सांसद एसटी हसन के करीबी जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर रिजवान बीजेपी खेमे के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में सांसद ने जिला पंचायत सदस्य को वापस अपने खेमे में लाने के लिए कॉल किया है और उनकी बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एसटी हसन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये स्वीकार किया है कि ये ऑडियो उन्हीं की बातचीत की है। उन्होंने अपनी पार्टी से जीते हुए जिला पंचायत सदस्य को समझाने के लिए फोन किया था। उन्होंने यही कहा कि आप जिस पार्टी से जीते हुए हो उसे वोट दो, किसी लालच में मत पड़िए। सपा के समर्थन से चुनाव लड़े हैं और जिसमें मुसलमानों के वोटों के दम पर जीते हो, ऐसे में बीजेपी के साथ मत जाइए। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने सदस्य को समझाएं, और वही काम मैं कर रहा था। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि जो 10 और 20 की बातें हो रही थी वो लाख नहीं बल्कि हजार भी हो सकता है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।